नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि हमारे घरेलू इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होते हैं, क्या वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, हमारे घरों में जो स्विच होते हैं क्या वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ डेली लाइफ से तो करके कनेक्ट करके चलना ही पड़ता है ना, तभी हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप खुद सोचना एक बारी कि हम सीरीज में करते होंगे या पैरेलल में करते होंगे। अब इसके लिए सोचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए कि हमारे घर में यूजफुल क्या चीज़ें हमें चाहिए। सो देखिए मैं आपको पहले यही बताती हूँ और फिर आप एक बारी खुद सोचना कि आपके घरों में सीरीज होंगे या पैरेलल होंगे। देखिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो हमें कंसीडर करना चाहिए कि वेदर कि एक सीरीज सर्किट हम यूज़ करें या फिर पैरेलल, कौन सा बेटर है। एग्जांपल के लिए जब आप बहुत सारे बल्ब को 100,000 कितने भी बल्ब को आप अपनी बिल्डिंग में डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं या फिर दिवाली ओकेशन पे किसी भी चीज़ के लिए मैरिज फंक्शन के लिए आप उसे लगाते हैं, तो सीरीज बेटर रहता है या पैरेलल रहता है। तो रहता क्या है, सीरीज बेटर रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज जब बल्ब जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हम उन्हें सिंगल एक ही स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस में जैसे दिवाली में आप क्या चाहते हैं कि एक ही बल्ब ऑन करें और सारी लाइट्स ऑन हो जाएं, जब बहुत सारे बल्ब आपने कनेक्ट कर दिए एक साथ। अगर आपको चाहिए कि सब एक ही से कनेक्ट हो, आप एक ही स्विच ऑन करें या ऑफ करें उसी से सारे की सारी लाइट ऑन और ऑफ हो जाए, तो वो किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज में, बिकॉज सीरीज में ही वो सारे के सारे एक साथ कनेक्टेड होते हैं और एक ही स्विच पर वो वर्क कर सकते हैं। तो एक सीरीज सर्किट जो है वो सेफर होता है, बिकॉज उसमें से सीरीज में से आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, आप नोट करना कि आप दो रेजिस्टेंस ले लो, जैसे आपने लिया 3 और 6 3 और 6, या फिर इससे भी बेटर एग्जांपल आप छोटा सा लेके देखिए, आपने लिया 1 और 1 का कनेक्शन लेके देखिए, 1 और 1। एक बारी मैंने तो किया इनको सीरीज में कनेक्ट, सीरीज में क्या होता है दोनों का एडिशन 2 ओम आ गया। अब की बार मैंने लिया इनको पैरेलल में कनेक्ट, पैरेलल में 1 और 1 ओम। पैरेलल में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस 1/ में करके करना होता है। ये देखिए यहाँ क्या आया, अपॉन में 1 और ये 1+1, 1/ में R इज इक्वल्स टू 1+1 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 1 R मल्टीप्लाई 2 2 R R इज इक्वल्स टू 1/2। क्या R जो यहाँ पर था ये सीरीज का था, सीरीज में क्या आ रहा था, S लगा सकते हैं, इसके पैरेलल के लिए P लगा सकते हैं अगर दोनों कनेक्शन एक साथ दिया हो, तो सीरीज में 2 आया और पैरेलल में 1/2 आया। 2 और हाफ और 2 कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है ना, ये बहुत छोटा है, ये तो इसके हाफ से भी ज़्यादा छोटा है, चौथा हिस्सा हो गया इसका, और जबकि ये क्या है इससे बड़ा है। तो सीरीज़ में रुकावटें ज़्यादा होती है और पैरेलल में कम, पैरेलल में रुकावटें कम है तो करंट क्या होगा ज़्यादा, यहाँ पर रुकावटें क्या है ज़्यादा तो करंट क्या होगा कम, यानी हर एक डिवाइस से सीरीज में करंट जो है वो काफ़ी कम आता है। यही बात हम इसमें ध्यान रखते हैं, सीरीज सर्किट सेफ होते हैं बिकॉज हर एक डिवाइस से जो करंट आता है वो काफ़ी कम आता है और एक ही स्विच से सब कुछ कंट्रोल भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग सर्किट के केस में सीरीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज अगर एक भी बल्ब बीच में से फ्यूज़ हो गया ना तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या है सभी आपस में एक साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है। अगर मान लो यहाँ से करंट आ रहा था, ये इसने रुकावटें कुछ ना कुछ ऑफर की, लेकिन अगर ये फ्यूज़ हो जाता है तो ये बीच में से डिवाइस कनेक्शन काट देगी और यहाँ से करंट आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये फ्यूज़ हो चुका है, ये करंट को अपने अंदर से जाने ही नहीं दे रहा, और जब इसने ही नहीं जाने दिया तो वो नेक्स्ट तक पहुँच ही नहीं सकता। तो सीरीज़ में प्रॉब्लम क्या है, अगर पहला वाला ख़राब हो गया तो वो बाकी सब को भी ख़राब कर देगा, मतलब चलने नहीं देगा, बिकॉज करंट यहीं से उसका रास्ता ही रोक लिया गया है। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है, अगर एक ख़राब हो गया तो करंट तो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो करंट दूसरे में से निकल कर आ गया। इस केस में पैरेलल के केस में एक ख़राब भी हो जाता है तब भी बाकी घर के सर्किट ख़राब नहीं होते। दैट मीन्स हम घर में कौन सा यूज़ करते हैं, ये वाला, बिकॉज आपने देखा होगा आपके घर का अगर एक स्विच ख़राब हो गया तो सारे तो नहीं होते ना, तो दैट मीन्स वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल। जबकि
ये कब यूज किया जाता है, जब आपको बहुत सारे बल्ब एक साथ कनेक्टेड करने होते हैं, जैसे दिवाली में वो छोटे छोटे बल्ब आते हैं ना, तो वो होते हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, वो वाले तो चलो एक ही वायरिंग से कनेक्ट हैं, वो भी नहीं होते, वो भी एक्चुअल में पैरेलल टाइप्स ही हैं। तो अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट करनी है और हमें चाहिए कि एक ही स्विच से सब कनेक्ट हो जाए, तो हम सीरीज का यूज़ करते हैं, अदरवाइज पैरेलल बेटर रहता है। लेकिन पैरेलल में करंट काफ़ी ज़्यादा रहता है और सीरीज में करंट कम रहता है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बल्ब टर्न ऑफ हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिशियन को काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा उस फ्यूज बल्ब को ठीक करने के लिए। और जब आप बहुत सारे बल्ब लगा देते हैं, इसीलिए ज़्यादा बेटर क्या रहा, पैरेलल कनेक्शन। सो हमारे घरों में जो सर्किट यूज़ होता है वो पैरेलल कनेक्शन में है। इस टाइप से हमारे पैरेलल स्विच लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, अलग अलग हम स्विच ऑन ऑफ करके सबका यूज़ करते हैं, सब एक से कनेक्टेड नहीं होते, बिकॉज अगर एक भी खराब हो जाए तो वो सबको खराब कर सकता है, इसीलिए हम पैरेलल का यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो वोल्टेज की सप्लाई आती है, पावर सप्लाई आती है, वो होती है 220 वोल्ट की, और अल्टरनेटिंग करंट होता है ये। अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट दो होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। भी डायरेक्ट होता है जो टाइम के साथ करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, फिक्स रहती है। जैसे हमारे घरों, जैसे बाहर से करंट आता है हमारे घरों में, तो करंट की डायरेक्शन क्या है आपके घरों में, क्या वो बिल्कुल सेम रहती है कि सिर्फ इस साइड से इस साइड ही करंट जाएगा, दूसरी अपोजिट नहीं आएगी? तो वो डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, हम करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन जो है अल्टरनेट होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, उस करंट के डायरेक्शन भी बदलती रहती है। बिकॉज हमारे घरों में बहुत सारे स्विचेज होते हैं, हमें अलग अलग डायरेक्शन में करंट भेजना होता है, सो इसीलिए हमारे घरों में जो करंट की सप्लाई आती है वो हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं। सो पैरेलल सर्किट बेटर है। यहाँ तक आपको समझ आया क्यों है? बिकॉज सीरीज के बहुत सारे डिसएडवांटेज थी, अगर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे एक के खराब हो जाने से सारे खराब हो जाता था क्योंकि सर्किट टूट जाता था। और पैरेलल की काफ़ी सारी एडवांटेज है, अब हम इन्हीं को स्टडी करते हैं कि सीरीज के डिसएडवांटेज और क्या क्या हैं। फर्स्ट है, सीरीज में अगर किसी भी एक अप्लाइंस, कोई भी एक गैजेट, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस जो है वो काम करना बंद कर दे किसी भी डिफेक्ट की वजह से, तो बाकी सारे भी डिफेक्ट हो जाएंगी, सारी अप्लाइंस भी बंद कर देगी काम करना, क्योंकि सर्किट जो है उसने बीच में से ब्लॉक कर दिया, उसे रोक दिया है, तोड़ दिया है। सेकेंड जो है वो आ क्या है, सीरीज सर्किट में आप सारी की सारी अप्लाइंसेस को एक ही स्विच से कनेक्ट करना पड़ता है, और अगर आप उनको चाहते हैं कि एक स्विच, जैसे आपने बहुत सारे बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं, आप सबको एक ही साइड ऑन कर सकते हैं, एक ही साथ ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये ऑन रहे या ये ऑन रहे और बाकी सब ऑफ रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये भी इसकी डिसएडवांटेज हो गई, हम घरों में ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है हम पूरे घर की बिजली एक ही टाइम में यूज़ करते हैं। सीरीज़ में क्या हो जाता है, अप्लाइंस को वोल्टेज क्या रहती है, डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज नहीं मिलती, जैसे कि पावर सप्लाई लाइन से 220 वोल्टेज की आती है, लेकिन अगर सीरीज़ में हमारे घरों में हम कनेक्ट करते तो सबको, किसी को कम मिलती, किसी को ज़्यादा मिलती, तो वोल्टेज अलग अलग हो जाती है, इसकी वजह से हमारी डिवाइसेस ख़राब भी हो सकती है। वोल्टेज जो है सीरीज अप्लाइंस में क्या होती है, अलग अलग रहती है ना, सारे के सारे अप्लाइंस शेयर करते हैं, अप्लाइंस को कम वोल्टेज मिलती और इसीलिए वो अच्छे से काम भी नहीं करती। जैसे बल्ब है, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उन सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती, 220 की नहीं मिलती, उन्हें कम मिलती, और इसी वजह से वो ग्लो भी ब्राइटली ही करते, वो ज़्यादा चमकते नहीं, ज़्यादा ब्राइट ऑन नहीं होते। नेक्स्ट जो है सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस, ऑलरेडी मैंने बताया कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से करंट कम होता है, यानी आप ज़्यादा करंट वाला काम नहीं कर सकते अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आप ज़्यादा करंट के सप्लाई का यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस हैं कि हमने पैरेलल क्यों चूज़ किया, उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं, फर्स्ट तो यही है कि आप सबको अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं, अगर एक अप्लाइंस बंद कर देती है काम करना किसी डिफेक्ट की वजह से, तो बाकी सारे अपना काम करते रहते हैं, बिकॉज वो सर्किट के बीच में रुकावट नहीं बनती। नेक्स्ट, आप सबको अलग अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं,
हर एक अप्लाइंस को सेम वोल्टेज मिलती है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सबके पास सेम रहती है, और वो भी कितनी रहती है, जितनी बैटरी से आती है। और यहाँ पर हमारे घरों में बैटरी क्या है, जो पावर सप्लाई से आ रही है, तो पावर सप्लाई 220 देता है। यानी हर एक अप्लाइंस में हमारे घरों में जो पैरेलल कनेक्शन है सबको 220 वोल्टेज की मिलती है। इसी वजह से हम किसी भी स्विच पर ज़्यादा वाला करंट वाला काम भी कर सकते हैं, कम वाला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इस केस में कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कम तो करंट क्या है, ज़्यादा, तो हम करंट ज़्यादा वाला काम भी कर सकते हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट की सप्लाई ज़्यादा, ज़्यादा वाला काम भी हो सकता है। इसीलिए हमने क्या चूज़ किया, पैरेलल वाला चूज़ किया अपने घरों में, ना कि सीरीज़ वाला। आई होप आप लोगों को अब सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। आप लोग इनके न्यूमेरिकल्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़रूर लर्न कीजिएगा, अंडरस्टैंड अच्छे से हो गया होगा। आई होप Thank you very much and have a nice day.